तो एक क्लास शुरू करते हैं जिसका नाम है, चैप्टर है मैथ का, एलसीएम और एचसीएफ। तो इसको हम शुरू करते हैं। इस पे एक सूत्र आधारित प्रश्न है, ठीक है, सूत्र आधारित प्रश्न है। तो उसको सूत्र को शुरू करते हैं। जैसे कोई संख्या है एक्स वाई जेड, कोई संख्या को एक्स वाई जेड से डिवाइड करें तो शेषफल जो बचता है वो क्रम से, अगर शेषफल बचे जैसे ए कॉमा बी कॉमा सी, तो पूछे फिर पूछे तो संख्या क्या होगी, तो संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन आया हुआ है परीक्षा में। सपोज करो कि तब हम क्या करते हैं ऐसी ऐसी सिचुएशन में संख्या को निकालने के लिए, तो संख्या बराबर होता है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का लासा, लासापा या एलसीएम, या लासापा ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एलसीएम निकाल लें, और एक्स और वाई और जेड का एलसीएम निकालें, एलसीएम, और एलसीएम में से के घटा दें। के क्या होगा, के बनता है कैसे, के क्या चीज़ है, के बराबर तो एक्स माइनस ए बराबर वाई माइनस बी और जेड माइनस सी बराबर, अगर बचता है तो वो के बनता है। यहाँ पे भी समान मान आना चाहिए, और यहाँ पे भी समान मान आना चाहिए, और यहाँ पे भी इक्वल मान आना चाहिए। जब ये समान मान आता है तो उसको ही हम के मान लेते हैं, ये जो बनता है ये के है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे क्वेश्चन है किसी के, वो छोटी से छोटी क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब जरूर कर दो, जिससे कि सब्सक्राइब करोगे तो सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और व्यूवर्स बढ़ेंगे, तो मुझे लगेगा कि लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है। और लाइक करेंगे तो मोटिवेट होऊंगा मैं, और कमेंट करेंगे तो मुझे बताएंगे कमेंट में कि कौन सी चीज़ और ज़्यादा पढ़ाई जाए, क्लास ली जाए। मैं जो बात कर रहा हूँ वो यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, सीसेट की, साथ ही साथ एसएससी की भी बात कर रहा हूँ, साथ ही साथ एमपीएससी की बात कर रहा हूँ, और एमपीएससी के लिए पढ़ा रहा हूँ, और एमपीएससी के साथ साथ मैं आरपीएससी की पढ़ा रहा हूँ, रेलवे दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो ये सब में आता है, ये तो खास मेरा टारगेट है यूपीएससी पे, ठीक है। और बाकी की आप स्वयं इसको देख सकते हैं जो आपकी परीक्षा में आएगा। तो ये चीज़ आने वाली है आपकी परीक्षा में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आगे शुरू करते हैं। मैं बात कर रहा था, बस छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, जिसे जिसे अगर क्या किया जाए, 24 और 32 और 36 से विभाजित किया जाए, क्या किया जाए, विभाजित किया जाए तो क्या होगा भाई, तो 19, 27 और 31 शेषफल प्राप्त होता है, शेषफल प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है शेषफल, ये प्राप्त होता है। तो पूछ रहा है तो बताइए वो संख्या क्या है, तो बताइए कि वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है। तो मैंने आपको बताया संख्या निकालने के लिए, संख्या कैसे निकालते हैं, संख्या जो होती है वो एक्स और वाई और जेड का वो लासापा होती है, और माइनस के होता है वो संख्या निकालने का तरीका। तो यहाँ एक्स बराबर कितना दिया है, तो 24 दिया है, वाई बराबर 32 दिया है, और जेड बराबर 36 दिया है, और फिर शेष जो बच रहा है वो ए कॉमा बी कॉमा सी है, जो कितना है, 19 बराबर ए और 27 बराबर बी और उसके बाद 31 बराबर सी है। तो अब देख ले रहे हैं निकाल के, तो क्या करें, 24 में से 19 घटाएं बराबर 32 में से अगर 27 घटाएं बराबर 36 में से 31 घटाएं तो बराबर 5 बच रहा है, और 5 ये हमारा के है। तो हम क्या करें, 24 32 और 36 का तो निकालें एलसीएम, और इस के को उसमें से क्या करें घटा दें, तो 2 से काटूं अगर इसका, तो देखो इसका सूत्र है 24 32
36 का निकालने का फॉर्मूला ये है कि 36 का पारा पढ़ लो, 36 में 36 दूनी 72 होता है, 72 में 36 का भाग चला जाएगा, 24 का चला जाएगा, लेकिन 32 का नहीं जाएगा। तो फिर से 72 में मल्टीप्लाई कर लूँ, 72 में मल्टीप्लाई कर लूँ 2 का, तो ऐसे करके हम संख्याएं निकलती आएंगी, तो हम उसका लासा देख सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, पर ये शॉर्ट ट्रिक बहुत लंबी पड़ जाती है, इसलिए कभी कभी हमें ये करना पड़ता है। तो 200 काट दिया, जब 2 का हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो आधा कर देते हैं, आधा कर दिया ये रहा, तो 18 का 16 हो गया, यहाँ 16 18। अब 2 से भाग देंगे तो यहाँ 6 हो गया, 8 दूनी 16 होता है, या 9 दूनी 18 होता है। 2 से भाग दिया तो यहाँ 3 या 4 या 9, फिर 2 से भाग दिया तो यहाँ 3 या 2 या 9, फिर से अगर 2 से भाग दिया तो यहाँ 1 या 3 या 9। अब 3 से भाग ले लो, 3 एकम 3, 1 3 3 9। अब फिर 3 का भाग देंगे तो चलो दे लो, 1 1 आ गया। अब इसका गुणा कर लो सबका, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तिया 66 होते हैं, 32 तिया 96 होते हैं, गुणा 3 होता है, तो 3 18 की 8, हाँ से ले 1 3 27 28, तो 288 एलसीएम हो गया, एलसीएम बराबर 288। अब 288 में से 5 घटा दूँ तो 288 में से 5 घटा दूँ तो जो के था तो 283 हो गया, तो 283 आंसर है। तो 283 में अगर 283 में अगर किससे भाग दूँ, 24, 24 से, 32 से और 36 से, तो 36 से तो समान शेष बचेगा, ठीक है, समान नहीं वो शेष बचेगा, तो वो संख्या कौन सी होगी, 24 से भाग दिया जाएगा तो कितना भी शेष बचेगा, 19, 32 से भाग दिया 17, 17 ही था क्या, चेक कर ले रहे हैं, तो कितना था, 19 27 31, 27 था, 17 नहीं था, 27 और 31 शेष बचेगा, तो हमारा आंसर आ गया 283। तो इस तरीके से ये संख्याओं को हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अगले जो सेशन में मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई ट्रिक के साथ, तो ठीक है, तब तक आप अपनी पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए, तो इस तरीके से हम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, अगर चैनल को आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, नमस्कार।